Assalamu alaikum hi guys i am nabil architect and i am back with another fabulous video in this video i will show you how to sketch modern ceiling in revit so keep supporting me subscribe my channel and press the bell icon like comment and share my video सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट वीडियो में जो है वो मॉडल टैक्स जो है वो आ, किस तरीके से आप जो है वो थ्री डी मॉडल टैक्स आप लगा सकते हैं ये देखें Uh, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप जो है वो थ्री डी मॉडल टैक्स लगा सकते हैं तो जिसने लास्ट नहीं देखी वीडियो वो जाके देख सकता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न सीलिंग किस तरीके से आप जो है वो स्केच कर सकते हैं एक तो सिंपल सीलिंग होती है उसके हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है तो मॉडर्न सीलिंग के लिए देखिए हम ग्राउंड फ्लोर पर सीलिंग प्लान पर आ गए हैं सीलिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया स्केच सीलिंग कर देते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे एडिट टाइप पे जाकर डुप्लीकेट करके एक अपनी न्यू हमारी जो है वो सीलिंग आप बना लेंगे किस तरीके से माई सीलिंग जो है वो आप मैंने यहाँ पर नेम रख देता हूँ इसका ओके कर देते हैं कोई भी नेम आप अपनी मर्जी से जो आप सही लग रहा हो आपको वो रख दें और इसके जो है वो एडिड स्ट्रक्चर पर आके हम इसका हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं इसकी थिकनेस जो है वो चार इंचेस करके और मटेरियल इसका न्यू क्रिएट करके वुड मटेरियल ले लेते हैं हम यहाँ से वुड मटेरियल में हम यहाँ से चेरी ले, ले लेंगे और ओके करते हुए हम बैक आ जाएंगे अब हमने रेक्टेंगल लेकर यहाँ पर एक जो है वो मैं एक रेक्टेंगल इस एरिया पे लगा दूंगा क्योंकि हमने यहीं पे डिज़ाइन करनी है मॉडर्न सीलिंग ठीक है एक रेक्टेंगल लेके मैंने लगा दिया उसके बाद हम ऑफ साइड की कमान लेंगे और यहाँ पर देखें ऑफ साइड हम कितना देंगे डेढ़ फिट का हम देंगे मतलब वन फिट और सिक्स इंचेस ठीक है और यहाँ पर मैं जैसी एरो लेकर आता हूँ अपना माउस का तो यहाँ पर देखें मैं टैप प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये इसने आ, अगेन मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर टैप प्रेस करूँगा तो ये देखें डॉटेड लाइन हमारे पास आ गई है और जैसी मैं क्लिक करता हूँ और फिनिश एडिट मूड करता हूँ तो देखें यहाँ पर जो है वो हमारी सीलिंग जो हमने डिज़ाइन करी ये देखें ये यह यहाँ पर कट जो है वो सेंटर uh, में से कट हो गई है और साइड में जो है ना इसमें पट्टियाँ चल गई हैं फॉल सीलिंग की अगेन सीलिंग पे आ जाते हैं उसके बाद स्केच सीलिंग पे आ जाता हूँ मैं और यहाँ से एडिट टाइप करके स्ट्रक्चर एडिट में जाके कर यहाँ पर आप थिकनेस इसकी जो है वो तीन इंचेस हम रख देते हैं ओके okay कर देते हैं इसको भी ओके okay कर देते हैं और ये देखें ऑफ आफ, हाइट ऑफ सेट फ्रॉम यहाँ से देखें आठ फिट आ, तीन इंचेस जो है ना हम यहाँ से इसको कर देंगे ठीक है जो सेकेंड वाली हमने जो स्केच करनी है रेक्टेंगल ले लेते हैं और यहाँ से हम रेक्टेंगल की मदद से एक और रेक्टेंगल मैं यहाँ पर लगाऊंगा ठीक है तो यहाँ पर मैं एक और रेक्टेंगल लगा लेता हूँ जैसे पहले लगाया था और अगेन इसको ऑफ सैड देख के आ, वन फिट एंड सिक्स इंचेस का ऑफ जो है मैं यहाँ पर इसको हम सेट कर लेंगे और यहाँ एरो लाके टैप प्रेस करते हैं तो ये देखें चारों तरफ से अभी ये एक तरफ दे रहा है अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि चारों तरफ से ऑफ़ सैट जो है ना देकर कर और चारों तरफ से जो है ना टैप प्रेस करेंगे तो चारों तरफ हमारी जो है वो सीलिंग आ जाएगी ये देखें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर दिया ऑफ ना दो तीन फिट तक कर दिया ठीक है तो ये बन गया हमारा ओके कर देते हैं फिनिश एडेड मूड पे कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं तो देखें ये हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई है सेकंड वाली जो है ये देखें ये जो मैंने सेलेक्ट करी है ये फर्स्ट वाली है और ये वाली जो है ना ये सेकंड है तो इस तरीके से जो है ना वो हमने इसको क्या करा और यहाँ पर देखें अब मैं चाह रहा हूँ इस पर कुछ डिज़ाइनिंग बनाना चाह रहा हूँ तो लाइन की लाइन ले ली हमने पहले ये वाली जो है ना ये हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके और लाइन ले के मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि कुछ डिज़ाइनिंग मैं यहाँ पर दूँ तो डिज़ाइनिंग कैसे दूंगा लाइन की मदद से मैंने यहाँ पे चेंज इंच रखा और चेंज इंच के बाद मैंने क्या करा अगेन कर लेते हैं छः इंच यहाँ से हमने सेट करना है ठीक है और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा इसको एक फिट कर देते हैं और इसको भी चेंज कर सकते हैं एक डिज़ाइन सा हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे दोनों साइड एक इस लेफ्ट साइड कॉर्नर पे और एक राइट साइड कॉर्नर पे सही है तो इस तरीके से मैं डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ चेंज इंच और एक फिट का चेंज इंच और एक फिट करके आपने ये दे अब मैंने इसको दो फिट कर दिया यहाँ से और यहाँ से छः इंच और अगेन वापस जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे छः इंच ऐसे ले लिया और इस बारी हमने तीन फिट लिया ताकि ये वाला हमारा जो है वो बड़ा डिज़ाइन बन जाए वुड में ही डिज़ाइन बनेगा ये क्योंकि हमने मटेरियल जो है वो वुड लिया हुआ है तो ये देखें इस तरीके से एक और यहाँ आके हम क्लोज कर देंगे ये तो एक साइड लेफ़्ट साइड पर हमने जो है वो क्रिएट कर लिया मैं चाह रहा हूँ ये राइट साइड पर भी इस साइड पर भी क्रिएट करना तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से लाइन की कमांड लेके और राइट right साइड पे भी इसी तरीके से देखें चेंज इंच पहले ही वाली लाइन ली मैंने और यहाँ से एक फिट कर देते हैं अगेन छः इंच और यहाँ से इसको हम वापस ले आएंगे इस तरीके से आपको जैसे मैं ये डिज़ाइन बना रहा हूँ आप यहाँ पे सर्कल भी दे सकते हैं यहाँ पर आप और मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अभी मैं यहाँ से क्रिएट करके जब आपको दिखाऊंगा ना कैमरा व्यू में तो ये देखिएगा ये डिज़ाइन जो है ना वहाँ पे वुड में क्रिएट हुआ होगा जिस तरीके से हम जो है वो सीलिंग आपने देखी होंगी मॉडर्न सीलिंग जो है वो मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के जो है वो आ रहे हैं फिर इसमें आप ये है कि सीलिंग लाइट भी आप ऐड कर सकते हैं सीलिंग लाइट आप लगा दें कोई भी किस्म की आप लगाना चाह रहे हैं फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि सीलिंग जो है वो आप मॉडर्न किस तरीके से आप वो क्रिएट कर सकते हैं ये हो गई हमारी फिनिश एडिट मोड करता हूँ और यहाँ पे कैमरा व्यू पे हम आए हैं तो ये देखें कैमरा व्यू पे आप देखें जो मैंने यहाँ पर क्रिएट करा था वो यहाँ पर हल्का सा मैं जूम कर लेता हूँ ये ये देखिए हाँ। ये वुड मटेरियल में हमारी जो हमने स्केच करी पूरी स्केच से देखें मैंने ये क्रिएट कराया आपने देखा होगा अक्सर सीलिंग में जो है वो मॉडर्न डिजाइन जो है वो होते होंगे इस तरीके से और बहुत सारे डिज़ाइन अब जो है वो आ गए हैं सीलिंग में तो इस तरीके से आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छा इसमें आप वैसे मूव नहीं कराते कैमरा में मैं मूव करा रहा हूँ तो थोड़ी सी जो है ना इसमें प्रॉब्लम हो रही है अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि सीलिंग हमारी जो है वो सही से नज़र आ जाए यहाँ से ये देखें ये आ गई नज़र अब ये आप जो है वो अपनी पसंद से जो डिज़ाइन इसमें बनाना चाहें वो बना सकते हैं ठीक है थीके? अगेन हम क्या करते हैं लास्ट एक और जो है वो सीलिंग हम स्टेप यहाँ पर दे देते हैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ से इसको एडिट स्ट्रक्चर कर लेते हैं डुप्लीकेट हम करना चाहें इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं ठीक है तो इसकी मैं थिकनेस रख लेता हूँ दो इंचिस रख लेते हैं इसकी थिकनेस एक लेयर सी हमने देनी है मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर लेयर में आप लाइट भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं पूरा मैंने यहाँ से एक बना लिया ठीक है और इसको फिनिश एडिट मोड कर देते हैं इसमें भी अगर आप ऑफसेट देना चाहें ऑफसेट दे दें क्या करेंगे आप यहाँ पर देखें इसको मैं फिनिश एडिट मोड करता हूँ जैसे ही तो ये एक एरर आ रहा है क्यों ये बोल रहा है कि भाई ये आपने लेवल जो है उसी लेवल पे आपने रख दिया देखें इनक्रीज़ हमने नहीं करा तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि लेवल इसका थोड़ा सा मैं इनक्रीज़ कर देता हूँ पाँच फुट आठ फुट पाँच इंच पे हम कर देते हैं इसको सेट ठीक है पाँच फुट आठ आठ इंच पे सेट करके और यहाँ पर हमने इसको ओके कर दिया अब ये देखें लास्ट वाला देखें एक और हमारे पास वुडन लास्ट लेयर जो है वो सीलिंग की वुडन में ही आ गई है अब इस लेयर में भी आप चाहें तो लाइट ये देखें ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारी लेयर है ये वाली ये देखें लास्ट वाली लेयर आपको नजर आ रही होगी इसको मैं एडिट बाउंड्री करता हूँ जैसे ही एडिट बाउंड्री करने के बाद अगर हम इसको कुछ इसमें भी एडिटिंग करना चाहें तो इसमें भी हम कर सकते हैं सही है तो यहाँ से इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और एडि स्ट्रक्चर पे आके मैं इसको क्या करता हूँ वन इंच दे देते हैं और यहाँ से क्रिएट करते हैं न्यू न्यू पे आके इसको भी रीनेम करके लाइट मैं देना चाह रहा हूँ कि भाई लाइट मैं दे दूँ उसमें लाइट वग़ैरह आप जैसे लगा सकते हैं सीलिंग के अंदर जो लाइट होती हैं वो हम लगाना चाह रहे हैं गिलास में आ जाते हैं गिलास में आके देखें यहाँ पर हमें मिलेगी लाइट स्क्रॉल करके यहाँ ये देखें लाइट बल्ब लाइट बल्ब सेलेक्ट करके मैं ओके कर देता हूँ उसको और यहाँ से भी ओके कर देते हैं इसको भी ओके कर देते हैं ठीक है और इसका लेवल भी देखें लेवल पे आपने ध्यान रखना लेवल भी इंक्रीज कर देते हैं इसका ठीक है लेवल थोड़ा सा उससे जो है वो मैं बढ़ा दूंगा और यहाँ पर हम रेक्टेंगल लेंगे रेक्टेंगल से मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसके अंदर सीलिंग के अंदर ही स्केच करूँगा सीलिंग के अंदर ही स्केच करूँगा तो ये हमारे ये इसको सीलिंग को जो है वो कट कर देगा सही है, इस तरीके से मैं एक रेंडमली डिज़ाइन बना रहा हूँ और आप अपनी तरफ से जो भी आप डिज़ाइन चाह रहे हैं वो आप बना सकते एक ये डिज़ाइन बना लिया एक ये डिज़ाइन बना लिया ठीक है तो इस तरीके से जो है वो हमने डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर लिया और इसको फिर हम क्या करते हैं फिनिश एडिट मोड जैसे ही मैं करता हूँ तो ये देखें कैमरा व्यू पे मैं आऊँगा तो ये देखें यहाँ से इसने जो है वो कट कर दिया है इसको और ये देखें ऊपर से भी देखें यहाँ से ये तीनों जगह जो है वो हमारी सीलिंग कट हो गई हैं सही है थोड़ा सा आ, मतलब सही नहीं हुआ है लेकिन यह है कि एक दिखाने के लिए मैं आपको तो यहाँ पर देखें ये एडिट बाउंड्री करके आप इसको जो है वो एडिट डुप्लीकेट बना के यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पर दे सकते हैं लेकिन लेवल का आपको जो है देखें ख्याल रखना होगा लेवल आपने लाजमी जो है वो सेट कर लेना है यहाँ पे ठीक है और ये देखें तो इसी तरीके से आपने जो है वो मॉडर्न सीलिंग जो है वो यहाँ पर डिज़ाइन करनी है स्केच करनी है इसी तरीके से ये देखें मैंने सिंपल एक बस एक आइडिया जो है वो यहाँ पर दिया है कि इस तरीके से आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं अब इसमें देखें सीलिंग uh, लाइट भी ऐड कर सकते हैं आप सीलिंग लाइट मुख्तलफ़ साइज़ की होती है राउंड में सही सर्कल शेप में या स्क्वायर शेप में होती है ठीक है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आप इसमें मॉडर्न सीलिंग में ऐड कर सकते हैं ठीक है तो इसी तरीके से जो है हमने यहाँ पर मॉडर्न सीलिंग बाय स्केच जो है वो हम रिविड में लगाते हैं सो कीप सपोर्टिंग सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेलाइकन लाइक कमेंट एंड शेयर